हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेरिडियन ओवरसीज। आज हम आपको बताएंगे 5 गुड रीजंस टू स्टडी इन कनाडा। सबसे पहला रीजन है दोस्तों, बायलैंगुअल कंट्री। कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसके अलावा कनाडा में 8 और भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी एंड पंजाबी भी आती हैं। तो जब आप कनाडा जाते हैं यहाँ से एजुकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बैरियर नहीं बनता और आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। सेकेंड गुड रीज़न इज़ यू बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, कनाडा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज हाईली रिनोन्ड है, तो आपको एजुकेशन सिस्टम प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती कनाडा में, और डिग्रीज आपकी हर जगह वैलिड रहती है वर्ल्ड वाइड। रीज़न नंबर 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, कनाडा वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स में, तो आपको वहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े। रीज़न नंबर 4, कल्चरली डाइवर्स कंट्री। दोस्तों, कनाडा बहुत ही कल्चरली डाइवर्स है, आपको वहाँ पे हर कंट्री से स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और आपका क्लासरूम कल्चरली डाइवर्स बच्चों से भरा हुआ होता है, तो यू लर्न अलॉट फ्रॉम देयर ओन कल्चर, देयर ओन एक्सपीरियंसेस, तो वो आपको आगे आपके बिजनेस में या हर किसी फील्ड में जिसमें भी आप जाते हैं आपको हेल्प करता है। रीज़न नंबर 5, दोस्तों, जब भी हम किसी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई के साथ क्या हम वहाँ पे काम कर पाएंगे, तो कनाडा में आपको ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, बल्कि कनाडा में ही आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है इस चीज़ का। उसका रीज़न ये है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू कैन वर्क पार्ट टाइम फॉर 20 आवर्स ए वीक। आपकी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आपको 3 साल का भी वर्क परमिट मिलता है और 1 साल का भी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर एपिसोड एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।